सो फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। 1 नवंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराया जा रहा है हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए। जो लोग SI भर्ती या हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति से क्वेश्चन, साथ ही बस्तर के दशहरा से पूछे जाने वाले प्रश्न और छत्तीसगढ़ के पेय पदार्थ से, साथ ही छत्तीसगढ़ के जनजाति में जो देवी देवताओं से जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनसे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। लास्ट एक वीडियो को जरूर देखना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 70% गारंटी देता हूँ ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लाइक करके रख लीजिएगा। अगर कल के क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, पूरा क्लासेस अपलोड कर दी गई है। तो चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं बस्तर के दशहरा से, उसके बाद हम देखेंगे जनजाति से क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बस्तर से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं बस्तर के दशहरा से। और बस्तर के दशहरा में कितने दिनों तक चलता है तो ये आपको 75 दिनों तक चलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बस्तर के दशहरा से पूछे जाने वाले प्रश्न, देखिए ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल CGPSC 13, 14, 15 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। तो जैसे कि बस्तर का दशहरा एक पारंपरिक त्यौहार है, ठीक है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा कि बस्तर का जो दशहरा होता है एक पारंपरिक त्यौहार है जो कितने दिनों के अवधि तक मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 60 दिन, ऑप्शन बी है 75 दिन और ऑप्शन सी 90 दिन या ऑप्शन डी है 120 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 दिन, ठीक है। जो बस्तर का दशहरा होता है आपका 75 दिनों तक इसको मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है बस्तर के दशहरा में, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, बस्तर का दशहरा में मावली माई की विदाई के सम्मान में या अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो बस्तर के दशहरा में मावली माई के विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है रैनी यात्रा, ऑप्शन बी है धनु कांडे, ऑप्शन सी गंगा मुंडा यात्रा या ऑप्शन डी मौली परगाव। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मौली परगाव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो गोंचा माह होता है आपका असार माह में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका CG व्यापम 2012 में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे कि बस्तर दिवाली को क्या कहते हैं। तो बस्तर की दिवाली को दियारी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, बस्तर की दिवाली को दियारी कहते हैं, ठीक है। ये आपका CG व्यापम 2015 में पूछा है। इसके बाद देखते हैं कि बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति कब होती है। तो बस्तर की जो दशहरा होती है उसकी समाप्ति कब होती है, तो ये आपके ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा मुड़िया दरबार से। जो मुड़िया दरबार होता है बस्तर के उत्सव की समाप्ति होती है। तो आप ये बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि बस्तर के दशहरा के उत्सव की प्रारंभ कब की जाती है, बस्तर उत्सव की दशहरा प्रारंभ कब की जाती है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद है देखिए बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा गोंचा पर्व, नाचा पर्व, भौगोलिया पर्व। तो इसका आंसर ए हो जाएगा गोंचा पर्व, CGPSC 2019 में पूछा गया है, ठीक है। बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है, गोंचा पर्व कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं, ठीक है। बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए है चैत्र, ऑप्शन बी है आषाढ़, ऑप्शन ए है भादो, ऑप्शन है कार्तिक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा, ठीक। बस्तर में जो माटी तिहार मनाया जाता है वो चैत्र में मनाया जाता है, ठीक है। CG व्यापम 2018 में पूछा गया है, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम PSC में पूछे गए हैं विगत वर्षों के, ठीक है। इसके बाद बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। जो बस्तर का दशहरा होता है पर्व मनाया जाता है वो रथ किनके द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। यत्र रथ यानी कि जगन्नाथ भगवान की जो पूजा की जाती है उस दिन रथ निकलता है, तो किन देवियों वहां से खींचा जाता है। तो ये CGPSC 2016 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर पंडित द्वारा, ऑप्शन बी है यादव द्वारा, या ऑप्शन ए है स्थानीय आदिवासी द्वारा या वैश्य समुदाय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय आदिवासी द्वारा, जो कि बस्तर के दशहरा पर्व रथ किनके द्वारा खींचा जाता है, आदिवासीय स्थानीय आदिवासी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बस्तर का दशहरा इनमें से किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में क्वेश्चन पूछा गया है कब की जाती है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा।
बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? छत्तीसगढ़ के वन विभाग में पूछा गया है, ऑप्शन ए दक्षिण देवी, ऑप्शन बी महामाया देवी, ऑप्शन सी है काछिन गादी देवी या ऑप्शन डी है माणिक्य देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काछिन देवी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है या अनुष्ठान है। तो काछिन गादी देवी है आपका आंसर ए हो जाएगा दशहरा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि किन किन तरह यहाँ से देखिए जनजाति से कितने क्वेश्चन आते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद पूरे वीडियो में आप सभी को क्लियर करा दूंगा। Amazon, चेक कर लेना, डाउनलोड नाउ। जनजाति के लोक नृत्या संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं। तो मुड़िया जो जनजाति होता है आपका सीधा डायरेक्ट में आंसर कराते जा रहा हूँ। ठीक है, मुड़िया जो जनजाति होता है आपका मांदरी नृत्य से करते हैं। उसके बाद सेकंड है पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है। जो पंथी नृत्य होता है आपका किस समुदाय से संबंधित है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा राउत। ठीक है, जो राउत है आपका पंथी नृत्य समुदाय से संबंधित है। उसके बाद है बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है। जो बैगा जनजाति होता है उसका प्रमुख नृत्य क्या होता है, तो आपका करवा नृत्य होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, यहाँ से देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि हुलकी नृत्य कौन करते हैं। ठीक है, तो आपके आंसर कौन सा हो जाएगा मुड़िया नृत्य। जो हुलकी नृत्य है मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इसके बाद है बिल्मा नृत्य। ठीक है, जो बिल्मा नृत्य है आपका आंसर आ जाएगा बैगा जनजाति। ठीक है, बिल्मा का बैगा हो जाएगा। इसके बाद शैला नृत्य कौन कौन करते हैं। ठीक है, शैला नृत्य कौन कौन करते हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। टेस्ट चल रहा है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के जनजाति से क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख देवी देवताओं के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिल्मा नृत्य बैगा लोग करते हैं। उसी प्रकार शैला नृत्य बैगा भी करते हैं, बिल्मा बैगा शैला ये सभी बैगा नृत्य आएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे सातवा क्वेश्चन। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति में पुष यानी कि कोलांग, पुष कोलांग यानी नृत्य कौन कौन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन कौन आ जाएगा पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री या फिर बच्चे। तो मुड़िया जनजाति में जो पुष कोलांग होता है वो आपका पुरुष जाति करते हैं। ठीक है, पुरुष लोग करते हैं, स्त्री नहीं करते। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि शैला नृत्य इनमें से कौन से करते हैं। शैला नृत्य, शैला डंडा नृत्य या रीना नृत्य बोलते हैं, वो कौन से करते हैं। ये आपका शैला नृत्य गोड़ लोग करते हैं, बैगा प्रधान यानी कि तीनों ही जनजाति करते हैं, यानी कि सभी आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद मांदरी नृत्य कौन कौन करते हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मांदरी नृत्य कौन कौन करते हैं, मांदरी नृत्य कौन कौन करते हैं जल्दी से कमेंट करें। मांदरी नृत्य आएगा आपका मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, मांदरी नृत्य कौन कौन करते हैं कर्मा जाति के करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उराव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं। ये आपके एग्जाम में आता है, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम पीएससी में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए उराव जनजाति है आपका सरहुल, उराव क्या आ जाएगा सरहुल नृत्य करते हैं। उसके बाद सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, सरहुल जो है किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो आपका सरगुजा जिले में। ठीक है, उसके बाद है गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से करते हैं। गौर, ये आपको क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, गौर क्या आएगा डंडामी नृत्य। ठीक है, क्या जाएगा डंडामी नृत्य। इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में एक और है, क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन और है जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मुड़िया जनजाति का माओ पाटा नृत्य है, मुड़िया जो जनजाति होता है आपका माओ पाटा नृत्य है, कौन सा आएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मुड़िया जनजाति का माओ पाटा नृत्य आएगा आपका शिकार नृत्य, कौन सा आएगा शिकार नृत्य। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि सुवा नृत्य कब करते हैं। ये आपको एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है कि सुवा नृत्य कब करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा दिवाली। ठीक है, दिवाली के समय सुवा नृत्य करते हैं। और आप कमेंट में बताइएगा, एक आप सभी के लिए क्वेश्चन है, छेरछेरा त्यौहार कब मनाते हैं। ठीक है, छेरछेरा त्यौहार कब मनाते हैं एग्जाम में आता हुआ है। और हरेली किस दिन मनाया जाता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हरेली क्यों मनाया जाता है और किस त्यौहार के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गौर नृत्य कौन कौन करते हैं। गौर नृत्य आपका माड़िया आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर मैं आप सभी को करा दे रहा हूँ। ठीक है, गौर नृत्य कौन कौन करते हैं माड़िया लोग करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं कि किस नृत्य में गौर यानी कि आखेट का अभिनय होता है। जो गौर नृत्य होता है उसका आखेट का अभिनय होता है, जिसका माओ पाटा आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ। उसके बाद इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है।
तो इनमें से कौन सी है जो महाभारत की कथाओं पर आधारित है, तो आपका आ जाएगा पंडवानी नृत्य। ठीक है, पंडवानी जो नृत्य होता है महाभारत की कथाओं पर आधारित है। ठीक है, कल के क्लासेस में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास से। ठीक है, जो कि आपकी पीएससी प्री एग्जाम में आ जाएगा, एसआई एग्जाम में आ जाएगा, या फिर एडीओ, जितने भी परीक्षाएं होते हैं व्यापम पीएससी में, इसके लिए बेस्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ से छत्तीसगढ़ के जनजाति की देवी देवताओं से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करते जाइएगा इसको, इसका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो उराव है, उराव की जनजाति की देवी देवता है, तो ये आपका सरना देवी हो जाएगा। ठीक है, जो उराव जनजाति है आपका सरना देवी हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, सरना देवी उसको धर्मेश भी कहा जाता है। इसके बाद जो कोरवा जनजाति है, ठीक है, कोरवा जनजाति है, इसका देवी देवता है खोया रानी। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कंवर, कंवर जो जनजाति है आपका सगरा खंड से आ जाएगा देवी देवता। ठीक है, बैगा का बूढ़ा देव आ जाएगा, उसी प्रकार भथरा का शिकार देवी, उसी पर बिंझवार का है विंध्यवासिनी देवी, उसी प्रकार है कमार का छोटे माई बड़े माई। ठीक है, मुड़िया का अंगा देवी। ठीक है, इसके बाद मुड़िया का क्या आ जाएगा, अंगा देवी आ जाएगा, उसके बाद गोड़ का दुर्गा देव। ठीक है, ये आपका प्रमुख जनजाति की देवी देवता है। ठीक है, आज के लिए इतना करें क्या, आज के लिए इतना ही। ठीक है।